लकी वॉल में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे कि एक सिंगल पेन ड्राइव को मल्टी बूटेबल कैसे बनाया जाए, यानी कि एक ही पेन ड्राइव में हम विंडोज 7, 10, विंडोज 8 या लिनक्स की कोई भी वर्सन को एक ही साथ बूटेबल कैसे बनाएं। तो इसके लिए आपको ज़रूरत होगा एक पेन ड्राइव का जिसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा हो, और जिस जिस ISO को आप बूटेबल बनाना चाहते हैं उस ISO को। तो आज हम जिस टूल का यूज़ करेंगे उसका नाम है विन सेटअप फ्रॉम USB। इसे डाउनलोड करना बहुत ईजी है, आपको गूगल पे सर्च करना है इसका नाम, और फर्स्ट जो लिंक आएगा ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और ये एक फ्री टूल है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसका जो लेटेस्ट वर्सन है इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है जो कि एक जिप फॉर्म में है, इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके रखा है इसलिए अभी मैं नहीं करूँगा। तो इसे ओपन करना है। इसके अंदर आपको दो फाइल मिलेगा, एक है ये जो है ये 32 बिट का है और ये 64 बिट का। तो मेरा जो PC है 64 बिट में चल रहा है, तो मैं इसे रन करता हूँ। तो जो हमारा टूल है उसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का आपको दिखता है। तो मैंने ऑलरेडी अपने PC पे एक 32 GB का सैंडिस का पेन ड्राइव लगाया हुआ है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप पहली बार सेटअप कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट पे चेक कीजिए और NTFS पे सेलेक्ट कर लीजिए। मेक श्योर कि आपका पेन ड्राइव खाली हो या उसमें आपका कोई भी ज़रूरी डेटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपका विंडोज़ XP के लिए और विंडोज़ के और भी वर्जन के लिए जो काफ़ी पुराना है। हम आज ये नहीं करेंगे क्योंकि हमें XP का ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा जो ऑप्शन है आपको विंडोज़ भिस्ता 7, 8, 10, 11, तो आपको इसे चेक करना है। और विंडोज़ का जो ISO फाइल आपने डाउनलोड कर रखा है, जहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ दो ISO फाइल है जो विंडोज़ 7 और 10 है, तो आपको यहीं से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम विंडोज़ 7 को सिलेक्ट करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे चेक पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो पहले मैंने इसे विंडोज़ 7 को सिलेक्ट किया, ओपन करते हैं। और मेरे पास एक और ISO फाइल है जो लिनक्स पे बेस है, जो एक टूल है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, इसका नाम है HBCD। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसे आपको ऐड करने के लिए यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन पे आप देख रहे हैं लिनक्स का ISO, तो यहाँ पे चेक करना है, तो हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप Ubuntu या कोई भी लिनक्स का और भी वर्जन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम HBCD को यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन कर लिया। यहाँ पे जो नाम है हम डिफ़ॉल्ट यही रखने देते हैं, ओके। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दो ISO अभी सिलेक्टेड है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करते ही जो बूटिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा वार्निंग देखने को मिलता है कि आपको पेन ड्राइव में जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपके पेन ड्राइव में कोई भी आपका ज़रूरी डेटा नहीं होना चाहिए। तो यस करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो पेन ड्राइव का जो पार्टीशन है वो रीपार्टीशन होगा, यानी कि जो पार्टीशन है वो डिलीट होगा फिर क्रिएट होगा। तो इसके लिए भी हम यस करेंगे और जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। कि अगर आपका पेन ड्राइव 2.0 है तो काफ़ी टाइम लग सकता है, अगर 3.0 है तो या उसका ऊपर है तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो अब अभी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक। तो देखते रहिए, मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ।
तो दोस्तों हमारा जो पेन ड्राइव है वो अभी दो आयोस से फाइल से बूटेबल हो चुका है। जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि जॉब डन, तो अभी ओके करना है। अब हम इसमें विंडोज़ 10 को डालेंगे। अभी जो हमारा पेन ड्राइव है वो HVCD और विंडोज 7 से बूटेबल हो चुका है। तो आपको वही प्रोसेस दोहराना है जो हमने पहली बार किया था, लेकिन इस बार आपको ये फॉलो करना है कि ऑटो फॉर्मेट पे आपको चेक नहीं करना है। अगर ऑल चेक है तो आपको वहाँ से चेक को अनचेक करना है, क्योंकि अगर ऑटो फॉर्मेट में चेक रहेगा तो हमारा अभी तक का जो मेहनत है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे विंडोज़ 10 पे यहाँ पे चेक करना है जो पहले हमने विंडोज़ 7 के लिए किया था, वहाँ पे चेक करके यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके विंडोज़ 10 का जो ISO फाइल है उसे सिलेक्ट करके ओपन करना है। आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर यहाँ पे चेक है ऑटो फॉर्मेट पे तो आपको इसे अनचेक करना है, मेक श्योर कि यहाँ पे चेक नहीं होना चाहिए। तो अभी आपको गो पे क्लिक करना है। तो इस तरह से हमारा जो पेन ड्राइव है ऑलरेडी दो ISO फाइल से बूटेबल हो चुका है। तीन नंबर जो ISO फाइल है यानी कि विंडोज़ 10 का जो ISO फाइल है वो बूटेबल होने जा रहा है। तो फिर से हमें वेट करना है इसे होने तक। तो देखते रहिए, मैं थोड़ा सा वीडियो को दोबारा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो दोस्तों हमारा पेन ड्राइव जो अभी तीन बूटेबल ISO फाइल्स से बूटेबल हो चुका है, यानी कि हमारे पेन ड्राइव में विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 और HVCD बूटेबल हो चुका है। तो आप इस प्रोसेस को रिपीट करके और भी बूटेबल ISO फाइल को अपने पेन ड्राइव के साइज के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो जब आप अपने पेन ड्राइव को PC में बूट फ्रॉम पेन ड्राइव करेंगे यानी कि पेन ड्राइव से बूटेबल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा HVCD है यहाँ पे शो हो रहा है। और पहले जो विंडोज़ फाइल है यहाँ पे अगर आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपका जो जितना विंडोज़ ऐड है यानी कि विंडोज़ 7 हो 10 हो वो यहाँ आपको शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज़ 7 और 10 शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे विंडोज़ 8 भी ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको वो भी शो हो जाएगा। विंडोज़ 11 करते हैं तो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना है और आपके पेन ड्राइव के हिसाब से और भी बूटेबल ISO को आप ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा एक तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।